तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? फ्रेश बैंगन जो हमारे खेत के हैं, लगे हुए बैंगन हैं, उस तरह के हमने ये बैंगन ले लिए हैं। उसको एक ऊपर से इस तरह से इसका डंठल जो है वो निकाल दिया है, धो के अच्छे से पोंछ लिया है। उससे पहले हमने क्या किया है, 2 टेबल स्पून रोस्टेड बेसन लिया है। ये बेसन को अच्छे से मैंने धीमी आंच पे रोस्ट कर लिया, उसको लिया है। भुना हुआ जीरा लिया है 1/2 चम्मच, 2 पिंच काली मिर्ची ली है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच या 1/2 चम्मच आप कश्मीरी मिर्च पाउडर ले सकते हैं। उसके बाद हमने चाट मसाला लिया है 1/2 चम्मच, और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है अमचूर पाउडर। ठीक है, चाट मसाला, अमचूर पाउडर और नमक हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार। ठीक है, नमक हम स्वाद के अनुसार डाल देंगे। सबसे पहले ना हम इसको सबको हाथ से ऐसे मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और ये क्या बनाने जा रहे हैं हम, तवा बैंगन फ्राई, तवे पर बनाएंगे। और ये स्नैक्स की तरह से खा सकते हैं, दाल चावल सब्जी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे हम पहले मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बैंगन जो है ना काटने से काला पड़ जाता है जल्दी, इसलिए हम सबसे पहले ये मिक्स करेंगे मिक्सचर, फिर बैंगन के ना गोल गोल स्लाइस कर लेंगे, ना बहुत मोटे और ना बहुत पतले। और ये क्योंकि हमारे खेत के बैंगन हैं, गार्डन के बैंगन हैं, तो ये बिल्कुल भी बीज नहीं है, तो ये तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जब भी मैं ऐसे बनाती हूँ तो ये हम इसके स्लाइस कर लेंगे। बैंगन में देखिए आप, बिल्कुल फ्रेश है, कोई बीज नहीं है, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। बस जो टाइम लगता है ना इसको फ्राई करने में, सेकने में लगता है, और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये स्लाइसेस को, इसमें हम ऑयल वगैरह ना कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। ये सारे स्लाइस क्योंकि हल्के से गीले होते हैं, बैंगन में मॉइस्चर होता है, तो हमने अच्छे से इसको कोट करना है चारों तरफ से ना, ये बैंगन अच्छे से कोट हो जाना चाहिए, कहीं से भी ऐसे दिखना नहीं चाहिए। बहुत मोटी लेयर भी नहीं लगानी है, और ऐसे इसको झाड़ लेना है, इस टाइप से कोट करना है। एक एक को हम कोट करते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो पहले आप एक ही बैंगन से बनाकर देखिएगा और मुझे बताइएगा जरूर। देखिए बहुत आसान सी रेसिपी है, सब कुछ घर में आसानी से मिल जाने वाला है, तो आप ये मत सोचिए कि ठीक है किसी दिन ट्राई करेंगे। आप जल्दी से इसको ट्राई करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। तो ये सारे बैंगन कोट करके आपसे मिलते हैं। ये देखें हमने इस तरह से कोट कर दिया है, और इनको 5 से 7 मिनट ना हम रखने देंगे। जहां जहां सूखा लग रहा है, देखिए मॉइस्चर होने के कारण ना अपने आप हल्का सा गीला हो जा रहा है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब देखिए 5 से 7 मिनट हो गई है, और आप देख सकते हैं, देखिए बैंगन बिल्कुल गीला गीला लग रहा है ना, सूखा नहीं है। तो अब हमने 1 चम्मच घी अच्छे से गरम कर लिया है, घी नहीं ऑयल, सरसों का पहले गरम कर लिया अच्छे से, और मीडियम फ्लेम पर ना हम इनको ऐसे रख देंगे सिकने के लिए सारे पीसेस को, और जल्दी से हमें ना पलटना नहीं है। ठीक है, अब इनके सिकने की इंतजार करते हैं। हल्का हल्का ऑयल ना हम इधर से भी लगा देंगे, बस तवे पर ही हमको बहुत हल्का ऑयल लगा के सिकना है। तो अभी हमें 2 से 3 मिनट हो गई हैं, बट हमने इनको नहीं पलटा है। जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं। नमक की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा मसाले में, क्योंकि अंदर से ये फीका फीका लगेगा नहीं तो बैंगन, और चाहें तो आप ऊपर से भी स्प्रिंकल करके चाट मसाला वगैरह यूज कर सकते हैं। चेक करते हैं एक बार, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये सिकने लग जाएगा। तो
ये बहुत धीमी आंच पे तभी क्रिस्पी होंगे जब हम बिल्कुल धीमी आंच पे सेकेंगे। देखिए कलर आना शुरू हो गया ना बहुत अच्छा सा। देखिए तो ये मसाला भी अच्छे से कोट हो गया है, ये देखिए। तो हमें इस तरह से सेकना है, दूसरी तरफ से भी हम इसको क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। कितना